Sponsored by Exclusio Acrylic. Elevating surfaces, enriching spaces. गोशामहल निर्वाचन क्षेत्र बीआरएस पार्टी प्रभारी नंदकिशोर व्यास बिलाल ने आज दोपहर 3 बजे रतन टावर्स कार्यालय फिलखाना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की। नंदकिशोर व्यास बिलाल ने कहा कि कोठा प्रभाकर डंटी पर कांग्रेस पार्टी के गुंडों द्वारा उन्हें मारने और तेलंगाना की शांति को भंग करने की कोशिश करने के लिए किए गए हमले की कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि हम मामले को आरडीओ के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा रहे हैं। नवभारत समाचार से राहुल सिंह की रिपोर्ट। बीआरएस पार्टी के इम्पोर्टेंट लीडर्स इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस लड़ाए। हमारे मेदक के एमपी प्रभाकर रेड्डी साहब के ऊपर जो हमला हुआ 2 दिन पहले, उसको हम खंडन करते हैं। कांग्रेस पार्टी के लीडर्स वांटेडली प्री प्लान से उसको पहले बोल के सूचना मिल रही है। आज आरडीओ ऑफिस में हम रिप्रेजेंटेशन दिए, कांग्रेस पार्टी के ऊपर सीरियस एक्शन लेना, इलेक्शन कमिश्नर तक बात पहुंचाना और आने वाले दिनों में इस तरह की घटना नहीं होना, तेलंगाना में पीसफुल इलेक्शन होना, पूरा पीसफुल इलेक्शन होने जा रहा है, उसे जल के डर के भयभीत होकर कांग्रेस पार्टी के छिछोरे थमा हुए। ऊपर वाला हमारे साथ था, हमारे एमपी साहब के साथ था, उनकी जान का नुकसान नहीं हुआ, पर आगे ऐसा नहीं होना, बल्कि हम आज आरडीओ पे रिप्रेजेंटेशन दिए और आज पूरे प्रेस मीडिया के साथ बात करने की वजह यही है। और भी बहुत से इश्यूज है, गोशामहल कॉन्स्टिट्यूएंसी के विषय में भी डिस्कशन है। आने वाले दिनों में हम क्या रणनीति बनाएंगे पूरा प्रेस मीडिया के सामने आपको शेयर करेंगे। आप सभी को नमस्कार, जय गोशामहल। उसका ये कॉपी है, हम आरडीओ हैदराबाद कलेक्टर साहब अवेलेबल नहीं है, आरडीओ हैदराबाद के सेक्शन ऑफिसर सुप्रिंटेंडेंट को हम ये कॉपी दिए और इसके ऊपर सीरियस एक्शन लेना बोल के हम कलेक्टर से इलेक्शन कमिश्नर से विनती करते हैं। कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में एक भय का माहौल बनाकर इलेक्शन जीतने के प्रयास में है, हम किसी भी सूरत में उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। अभी लेटेस्ट एक सर्वे आया जिसमें बीआरएस पार्टी को 77 से 80 सीट्स बता रहा, ये लोग कितना भी कर लो, कितना भी पैसा कर्नाटक से ला लो, कुछ भी कर लो, पर जनता केसीआर साहब के फेवर में वोट डालेंगी। 9.5-10 साल का जो डेवलपमेंट है तेलंगाना राज्य का, किसी से छुपा हुआ नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है। आज इंडिया में सबसे टॉप स्टेट हमारा तेलंगाना है, उसको ध्यान में रखते हुए जनता का हर वोट बीआरएस के लिए गिरेगा, तार के निशान पे गिरेगा। मैं तेलंगाना की पूरी जनता से विनती करता हूँ, गोशामहल की जनता से विनती करता हूँ, तरक्की चाहते हो, डेवलपमेंट चाहते हो, 9.5-10 साल में इतना डेवलपमेंट हुआ, आने वाले 5 साल और देंगे तो कितना डेवलपमेंट होगा, आप लोग कुछ समझना। नया नया राज्य बना था, शुरुआत के 5 बरस तो हमें समझने में लग गया था हमारी पार्टी को, गवर्नमेंट को, बाद में 5 साल में डेवलपमेंट हुआ। परसों फिल्म स्टार्स सनी दयाल आया था हैदराबाद, वो टची बावली चुपली में तो उन्होंने बोल रहा मैं फॉरिन में न्यूयॉर्क में आज जैसा लग रहा, उनके बीजेपी पार्टी के सांसद बता रहे, फिल्मी स्टार लाया आई थी हीरोइन, वो बोल रही मैं दुबई में हूँ, लंदन में हूँ, पेरिस में हूँ, ये हैदराबाद है क्या? ये पूरा क्रेडिट किसको जाता है? हमारे केटी रामाराव जो फॉरिन से इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, बड़े बड़े इमारतें बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग सॉफ्टवेयर कंपनीज आ रही, हजारों लोगों को जॉब्स आ रही, करोड़ों रुपए का रेवेन्यू आ रहा, और इस सब को ध्यान में रखते हुए मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में बीआरएस पार्टी को भारी बहुमत से तेलंगाना की जनता जिताएगी। आज हमारे गवर्नमेंट की तरफ से जो मैनिफेस्टो निकाला गया है उसमें 400 रुपए में हम सिलेंडर देंगे,
हॉस्पिटल बन रहे। बचा हुआ जो पैसा सब्सिडी के रूप में हमारी गवर्नमेंट देने जा रही है, उसी तरह अंचल अंचल का धीरे धीरे 5,000 तक आसरा पेंशन करने जा रहे हैं, हैंडीकैप पेंशन 6,000 बनाने जा रहे हैं। गरीबों का भगवान, गरीब जनता तेलंगाना डॉक्टर भगवान है बोलते, वो सिर्फ KCR है। कांग्रेस वाले कुछ भी बोलो, झूठ प्रवट कुछ जनता मानने वाली है नहीं। 2014 में यहाँ पर पेंशन 200 रुपए था, आज वो लोग 4,000 5,000 3,000 दे, तुम बोल रहे जनता भरोसा करने वाली है क्या? कर्नाटक में बिजली 24 घंटे दे, तुम बोले रहो जनता उसके साथ नहीं है, उन्हें बहुत बुरी तरह हारने वाला है, जनता उसको पूरा नकार चुकी। एक MLA बोलता मैं खुद मर्डर करूं बोल के बोलता, मार के लोगों को ऊपर भिजा दिया बोलता, एक वीडियो में बोलता मेरे को खत्म कर दो, फांसी पे चढ़ा दो, लात मार दो मैं राजनीति को, ऐसे आदमी को जनता वोट डालती क्या? कुछ भी डर ले राजा सिंह, हिंदू मुस्लिम डर ले, ठाया डर ले, असदुद्दीन अवैसी डर ले, अकबरुद्दीन डर ले, जितना चिचोरा बना करता डर ले, तेरे जनता वोट डालने वाली नहीं है। तेरे आत्मा को मालूम है तुम कितने लोगों को सताया, तेरे दिल को मालूम है मुझे बोलने का जरूरत नहीं है, ये जनता वोट डालने वाली नहीं है। जनता डेवलपमेंट के साथ है, 10 साल में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, वही रोड़ा वैसी है, वही ड्रेनेज लाइन की व्यवस्था नहीं है। मैं 10 साल के अंदर एक भी बड़ा प्रोजेक्ट लेके आया तो बता दो राजा सिंह, गवर्नमेंट से झगड़ा करा तो बता दो। अरे उनके खुद के कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं करा। मैं 2016 में फैक्ट्री डाल के गुड़म्बा अफेक्टेड पब्लिक के लिए डाला, तुम बोलते उसके अंदर अड्डा पोचिंडो मेरे को क्रेडिट आता बोल के, मैं डालने दिया, मेरे पास 2,000 लोग को जॉब मिलता था। गणेश बनाने वाले लोधी कलाकार को एक इंच जमीन दिलाया गवर्नमेंट से झगड़ा करके बोल के बता दो बोलो, खाली झूठे बाता रोज कोर्ट कचेरी, हिंदू मुस्लिम ऐसा तो दिन वैसे को गाली देना, मुसलमानों को गाली देना, ये कब तक करेंगे? अरे भाई तेरे चिचोरे पर बंद कर दे, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे कोई सुनने वाले नहीं है, अभी सब बोर हो गए तेरे से, ये लटको और ये चिचोरे बातों से जनता बोर हो गए, भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ, ये नंगा पना बंद कर दे मेरे भाई, जनता सुखी से रहना चाह रही, हिंदू मुस्लिम सब मिलके रहना चाह रहे, अच्छा व्यापार करना चाह रहे, तेलंगाना को डेवलप करना चाह रहे, हैदराबाद को डेवलप करना चाह रहे, तू बंद कर मेरे भाई, तू हमारे बस्ती का हमारे धुलपेड़ का है, थोड़ा सुधर जा, ये लथड़ो नामा ये चिचोरे नामा बंद कर दे तू, मैं तेरे को हाथ जोड़ता हूँ जनता की ओर से, नटो भटका नौजवान बच्चों का जिंदगी खराब मत कर, ना हिंदू मुस्लिम के चिचोरे झरसे में मत डाल बच्चों को, समझा? हम सब मिलके रहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके अच्छा वातावरण बनाएंगे। आज बेगम बाजार के अंदर पूरे मुसलमान नहीं है, दुकाना नहीं है, सुल्तान बाजार में नहीं है, सब मिलजुल के व्यापार कर रहे बेचारे, सब मिलजुल के रह रहे, तेरी बातों से कोई सुनने वाला नहीं है मेरे भाई। तू कितना भी वीडियो लगा ले, तू कितना भी तारा में बैठ के वीडियो लगा ले, कितना भी ऐसा तू दिन को गाली दे दे, अरे चिचोरे तू कितना गंदा आदमी है, अरे तारा पान साहब का पान खा के ओल्ड सिटी में जातू बोल के बोलता, बेशरम बेहया, माँ बहन मेरे तेरे मुसलमान की बेटी हमारी नहीं है, उनके बहन बीवी हमारी नहीं है, रे खाली मुसलमान रहते ओल्ड सिटी में, हिंदू हमें रहते तो ओल्ड सिटी में जाके क्या करने वाला बहन बेटी के साथ में, तारा पान खाओ और ओल्ड सिटी में जातू बोलते बता रहा। अरे तू तमीज मर्यादा पूरा बेच दिया तेरे घमंड में, तेरे अहंकार में इतना आगे बढ़ चुका है तू, इसका पनिशमेंट तेरे को परमात्मा देगा, ये राम जी देंगे, तू इंतजार कर, तू सबर कर, देखते जा, ये जनता तेरे को इतनी बुरी तरह हराने वाली है कि तू यहाँ से भाग जाएंगे हमेशा के लिए। क्या करा रहे भाई जनता के लिए? मंदिर एक मंदिर का चुना लड़ा है, बता दे रहे तो हम चले जाते यहाँ से, एक मंदिर का चुना लड़ा के एक गरीब की शादी के लिए मदद करा तो बता दे, कब तक तू हिंदू मुस्लिम करेगा? असदुद्दीन अवैसी के बिना तेरी राजनीति चलती नहीं, उनकी फोटो चिपका लो दोनों भाइयों की छाती पे चिपका ले, सर पे चिपका ले, दिन भर अवैसी को गाली देना, हिंदू मुस्लिम करना, अरे सब्जेक्ट में बात कर, मैं डेवलप कर तुम बोल, फ्लाईओवर्स बना तुम बोल, बड़े बड़े रोड़ा बना तुम बोल, समाज के लिए जमीन ला तुम बोल, उन्नति की बात कर, मैं बोल रहा हूँ ठहर के, BRS गवर्नमेंट आने वाली है हमारी, यहाँ से MLA हमारा जीत रहा, हम गोशामल को मॉडल असेंबली बनाएंगे, पूरा करप्शन फ्री करेंगे, बड़े बड़े रोड्स बनाएंगे, पानी के पूरी जो ड्रेनेज लाइन और पीने के पानी की व्यवस्था पूरी बिगड़ी हुई है, तेरे को शर्म है रे बेशरम? कभी उसके ऊपर चर्चा करा?
कभी रेवी मीटिंग करा 18 से 20 करोड़ रुपए का बजट में एक पूरा नया वाटर टैंक डाल सकते थे रोड़े की टबर में, कभी तेरे को उसके ऊपर डिस्कशन आया? तेरे टाइम ही नहीं है, तो आधा दिन जेल में रहता करते, खुद ही बोल रहा मैं जेल में रहता हूँ, मेरे को मजा आता, मैं चले जाता हूँ। तो बाबू तू चले जाना, पेड़ जाती जनता को क्यों सता रहा? मैं लात मारता हूँ राजनीति में, बोले तो कहीं कुछ बेचारा कहीं कुछ चुनाव लड़ रहा? फिर जो आदमी लात मारता राजनीति में वो चुनाव क्यों लड़ रहा? इसलिए तू एक कॉमन सेंस वाला आदमी नहीं है, जनता सब समझ गई। एक बार तेरे को पिछले बार चांस दिया, अभी इस बार चांस देने वाली नहीं है। 47,000 का मेगा की तरह जाके 17,000 पे कैसे आएगी?